I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart. ये बताएं जी, ये क्या, ये बिल्लू साहब? रुक जा रुक जा. बिल्लू भाई क्या बात है, आगे जाने दो. कौन ये, कौन है? रुक रुक रुक. आसम, नाइस. ये कौन है? ये घर भी जाके एक दफा आराम से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे नाइस यार. देखा जी, ये उठाना है. ये जी एग्जीबिशन है लाइब्रेरी में. फकट माई माइक एट होम, तो मैं उस तरह से शायद आवाज़ आपको क्लियर ना आ रही हो, लेकिन ये है कि विजुअल्स जितने ज़्यादा हों वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा. ये ड्राइंग है, ये पार्ट्स में बनी हुई है, और ये पूरी वॉल जो है वो इन्होंने इस तरह से सजाई हुई है. अब ये इस तरफ जनाब पेंटिंग्स बनी हुई हैं. ये जनाब सारी, पता नहीं कैनवस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये तो कोई आर्टिस्ट ही बता सकता है. वेरी नाइस यार, मज़ा आ रहा है देख के. वैसे मैं उस तरह का आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है देख के. और ये सारा ओवरव्यू है. ये जनाब सारी पेंटिंग्स हैं, बाय हैंड बनी हुई है. एंड एवरी पिक्चर इज गिविंग सम सॉर्ट ऑफ स्टोरी. इस यार ये अच्छा बना हुआ पीस. लुक एट इट, लुक एट इट, क्या कमाल का पीस बनाया है. जो गोल शीशे नहीं लगे होते सड़क के गिर्द गिर्द, वो वाला किसी ने शीशा देखा और बिल्कुल वही पर्सपेक्टिव दे दिया है. डिटेल आप चेक करें, किस लेवल की डिटेल दी गई है, ये आप चेक कर सकते हैं. फिर इस में जो कलर ग्रेडिंग है, इंतहाई नफीस काम. मज़ा आ रहा है देख, फीलिंग आ रही है कि रियलिस्टिक है यार. बहुत मेहनत लगी है इस पर, बहुत मेहनत लगी है. ये आप देख सकते हैं सर्विस का सब ब्रांड है योर. और ये मेरा ख्याल है जीटी रोड है, ये जीटी रोड का कोई सीन है, तो उसको इन्होंने एक्सपेंड किया है. कल्चर, यहाँ पे आपको कल्चर नज़र आ रहा होगा. और ये तो अखीर कर दी है, एंड कर दिया यार चीज़ों का. ये पूरी वाल जो है अलग अलग कहानियां बयान कर रही है. दी आर्ट, दी आर्टिस्ट आगा अबूदर साहब. ये कोई अब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, इसका ना मुझे समझ आ रही है ना आपको समझ आएगी, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये कंप्यूटर है, ये पड़ा हुआ है शायद. और इसके साथ ही ये है क्या, मुझे समझ नहीं आ रही है, मतलब इतनी एब्स्ट्रैक्ट है कोई, इसका पंजाबी में कहते हैं कोई सिर पैर ही नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक कंसेप्ट है. इसके अलावा जी ये सारी आर्ट कलेक्शन अबूदर साहब की है, और आपको इसमें जो मेन डोमिनेंट थीम्स हैं वो लोनलीनेस नज़र आएगा, और विंटेज की आपको एक फीलिंग आएगी. बॉटल्स पड़ी हैं, क्योटिक सिचुएशन, क्योस नज़र आएगा इन पेंटिंग्स में आपको. अनसर्टनिटी,
अब ये बोतल पड़ी है एक्विफिना की टेबल पे एंड दैट्स इट। और एंड पे इनका जो अब्स्ट्रैक्ट है ओजल, जिस कंसेप्ट पे इन्होंने काम किया है, इसको आप पास करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अफजल साहब, आप कुछ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देना चाहें अपने एक टॉपिक, कितना टाइम लगा ये करते हुए? ये तकरीबन दो ढाई माह में ये सारी पेंटिंग्स भी बन गई हैं। वैसे तो आखिरी सेमेस्टर में सारा ये काम हुआ, लेकिन जो विजुअल इमेज मेकिंग जो है वो ऑलमोस्ट दो ढाई माह। कंसेप्ट कैसे आया, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन जो है वो किताबें वगैरह पढ़ने से, ओजल जो चीज़ें रह जाती हैं ज़िंदगी से, उसको आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे थे कि जो, हाँ जी, ऐसे एस्पेक्ट जो हमारी ज़िंदगी में हमें नज़र नहीं आते, वो इन पेंटिंग्स के जरिए उजागर करने की कोशिश की है। वेरी नाइस, आ जाओ, मैं उठा लेता हूँ। आ जाओ, ये जनाब अब हम जा रहे हैं वापस सामान इकट्ठा करने। Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me. Don't let me show you. ये है कि वो माई राज में कबूल के हैं, एकदम से ये एग्जीबिशन लगी हुई थी तो एमरजेंसी में कबूल कर। अब एग्जीबिशन हॉल है, इधर एग्जीबिशन लगी हुई है। इस पोर्शन की तो मुझे समझ ही नहीं आई, ये पीछे रह गया था। नाइस शॉर्ट वर्क। ये पता नहीं क्या है यार, ये तो लग रहा है कढ़ाई का काम किया हुआ। ये धागे छागे हैं और ये कढ़ाई का काम हुआ हुआ है। नाइस ब्रो, बड़े आर्टिस्ट लोग बैठे हैं भाई यूजी में, हमें तो पता ही नहीं था। नाइस, टोरानी पीछे रह गई है। पता नहीं ये पेंटिंग क्या है, लेकिन इसमें ना ये मुझे लग रहा है गत्ते का इस्तेमाल किया हुआ है। जो गत्ता होता है ना, गत्ते का यूज़ किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट सी पेंटिंग है, कोई समझ नहीं आ रही। ये पूरी दीवार पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी। तो ये शेर का पंजा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है?